बीते दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वालों जो पूरे देश की भलाई लिए 21 दिन का लॉकडाउन किया गया उस मद्देनज़र रखते हुए बठिंडा शहर में काफ़ी समाज सेवी संस्थाओं वालों जरूरतमंद लोगों को खाना मास्क लोड़ी सब्जियां मुहैया करवाई गई तो ही लोगों को समझाया कि हर एक इंसान तो एक मीटर की दूरी बना के रखन ता जो इस भयानक बीमारी तो बचा जा सके। जो अज ये सारे इंडिया ते एक बहुत औखी घड़ी आई है, सरकारां भी आपदे वल्लों पूरा इस विपता चो निकलण वास्ते जोर ला रही हैं, बाकी सारे लोग भी संस्था भी किसी गरीब नूं रोटी दी चाह दी पानी दी जो सेवा लाई जांदी है जिवें सानूं जो हुक्म लग्या रोटी दा चाह दा पानी दा वो सेवा पूरी निभा रहे हैं, बाकी जो परमात्मा नूं मंजूर है उही होना है। सरकारां भी आपदे वल्लों जोर ला रही हैं, वो आपदा उच्चे लेवल ते जो कम कर रही हैं वो उन्हां दे नाल है। गरीबों नूं भोजन बढ़ते हुए जो जरूरत मंदे वल्लों करफ्यू जिहड़ा लग्गिया रात जिवें अपने PM साहब ने TV ते अनाउंस किया बीमारी अपनी जिहड़ी करोना वायरस फैलिया होया उहदे रोकथाम लई PM साहब ने बहुत वधिया संदेश दिता विआ, आपां सारिआं नूं उहनां दा कहना मनना चाहीदा जी ते उहदे मुताबिक हदायतां दे मुताबिक आपां नूं चलना चाहीदा। करोना वायरस करके जो विश्व दे विच ये महामारी बीमारी फैली है, करफ्यू लग्गिया होया है, जेड़े लोग गरीब ने उन्हां दा बिल्कुल धंधा चौपट हो गया है, जेड़े रेहड़ियां चलांदे है जां कोई चनाई दा काम करदे सी मजदूर असी लेबर चौंक दे विच इस टाइम लंगर बरता रहे हैं। ये सारा लंगर जेड़ा हैगा बहिंडा NGO बैंक वालों समाज सेवी संस्था नाल मिल के आसरा वैलफेयर सोसाइटी दे वलंटियर अलग अलग जगह दे विच शहर दे विच जिथे भी कोई गरीब लोग बैठे ने उन्होंने लंगर बरताया जा रहा है। जिवें मंडियां चो आए हुए हैं अपना आलू प्याज ते लसन लैके इन्हां दे विच सरकार कन्नों भेजा गया बहुत बड़ा उपराला है ते हुण इन्हां नूं तां करके गैप पवा रहे वी मीटर मीटर का गैप रखो तां जो भीड़ भड़क्का ना होवे उहनूं कंट्रोल किया जा रहा है। सब तो ज़्यादा मैं धन्यवाद दी हां पत्रकार वीरां दा जिहड़े एक एक पल दी खबर है वो टैलीविजन पर आ रही है घर बैठे ही जी बठिंडे की हो रहा पंजाब की हो रहा हिंदुस्तान की हो रहा है। सब तो ज़्यादा बधाई दे पात्र पत्रकार है क्योंकि इन्हों भी परिवार घर बैठे है इन्हों के बच्चों भी ऐ भी साडे फादर सड़कों पर है तो लोगों की सेवा कर रहे तुम आपकी पत्रकार आपकी जान की कुर्बानी दे रहे हैं पुलिस वाले अपनी जान की परवाह ना करते हुए सड़कों पर पहरा दे रहे हैं।